हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी शाम का वक्त है और शाम के बज चुके हैं 5:30। सबसे पहले तो मुझे करनी है गुड्डू की ये पैंट छोटी, मतलब कि नीचे से मोड़ के छोटी बनानी है। लेंथ इसकी ज़्यादा बड़ी है, तो ये रहा धागा और सुई, ये मैं खुद कर लूँगी। तो धागा मैं ले आई हूँ अभी जहाँ पर कपड़े सिलवाते हैं हम, पास में ही हैं। तो इसे दिलवा दिए पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न वाले भैया आए हुए थे और पॉपकॉर्न ये खा रही है यहाँ पर बैठकर। और घेर में इसने कई सारे चक्कर काट दिए, अभी तक इसकी मम्मी और पापा नहीं आए। तो पॉपकॉर्न है एकदम गरम गरम, बढ़िया बढ़िया। पिताजी भी लेके, मैं भी खाने लग रही, देखो वहाँ, और ये अभी खाने लग रही पॉपकॉर्न खा कर नहा लिए। अंदर मम्मी ने कहा ये कैसे कपड़े का रखे अंदर गंदे मिट्टी में। अभी बना दिया चाय, क्योंकि घेर में चाय जाएगी 7-8 कप। सारे के सारे लगे हुए हैं, कड़ी बल्ली तारने में, ढूले का सामान जो भी कुछ है। तो चाय मैंने बना दी, आने के बाद में फिर खाना बनाने की तैयारी करेंगे। माँ से पूछते हैं क्या बनाएं, मैं तो मूंग की दाल कह रही, इन्हें मूंग की दाल बना लेंगे। माँ कह रही दिन की भी सब्ज़ी रखी थोड़ी बना लिए। तो चलो जी, चाय डाल लेते हैं डब्बे में। एक बच्चे को बिस्किट लेने भेज रखा, एक ना समझिए बहुत सारे। पिताजी कल को नाई का सेविंग करवाए यो 10 रुपए बचा का पता नहीं क्या करेगा यो 10 रुपए बचे 10 रुपए बचे कोई देखा। माँ पिताजी को छेड़ा है जरूर, अगर कोई बात कह रहा है। देखो छेड़ दिया ना पिताजी, यार पिताजी ने जवाब नहीं दिया, करे कर नहीं माँ को एकदम तय सुना नहीं होगा। रात में नहीं कह रहा था वो, कहने लगा हमने तो कोई ऐसा देखा नहीं, काम में जो कोई सेविंग ना बनवा वो राजा हो रहा उसका माल जुड़ रहे। 8वें दिन बनवावे, 15वें दिन बनवावे सेविंग में भी पैसे ही देवे। मशीन की सुई मैंने प्रिया को ला के दे रखी, उसको कटवा कर लगी उसे, ठीक है वो सुन चलेगी इस पर, ठीक है कल को आ जाएगी। वाह, एक तो पजामा करवा कर लाऊंगी वो। हाँ। मुड़वा कर। हाँ नू नहीं करवाते हम उस पर काम कुछ भी, ठीक है। पिताजी की टी शर्ट नवी ला कर देनी पड़ेगी, पर पिताजी पहनते तो नहीं, चक्कर तो यह है। कपड़े की या मोटी है? या मोटी है, पतले की कपड़े की चाह नहीं, बोले वाली ला दें, बढ़िया मुलाम सी है जैसा अमित का है वो। हाँ जैसा अमित का वो बहुत अच्छा लगा, इसे भी बहुत अच्छा लगा झूला झूल के। तो आज बच्चों ने झूला झूला, अंकित ने दोपहर के समय लेके गया था फिर अपनी साथ में ही घर, और माँ ने तोरी काटनी शुरू कर दी। तो जी बस यही रीजन था आज इतनी ज्यादा तैयारियां ना करने का, बस ज्यादा पूजा पाठ का ही था। तो नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते बेटा, जीते रहो। आज हंसता हुआ गया था और हंसता हुआ आया है, देखो वेरी गुड बच्चा, बहुत अच्छा बच्चा है। तो भाई जो गरम मसाला सब उत्तल आए थे आज, उसका मुझे गरम मसाले का मसाला बनाना, ये देखो गरम मसाले का मसाला बनाना। और वह सूखने के लिए मैंने रख दिया 2 बर्तन में करके थोड़ा थोड़ा। हाँ पहले तो उसे फूट लेंगे इसमें, माम जिस्ते भी रख रखा धूप में ही, और गस और सांझ के ईंधन के नाम के गुस्से भी घेर दिए, उन पर धूप भी लगानी जरूरी ना, नहीं फिर सांझ को फूँ फूँ फूँगनी तो करना पड़े, बात यह है सारी। कबूतर, ये कबूतर ना यहीं रहे इस छज्जे पे, बहुत सारे हैं, लेकिन जो जूली की बेटी है ना वो पूरा अटैक करती है इनके ऊपर। और पिताजी इसी चीज़ से नाराज़ हैं कि वो किसी भी मतलब पक्षी पे कोई भी बैठ जाओ, गुरसल चिड़िया ज़मीन पे जो भी दाना खाते हुए होंगे ना उन पर अटैक करे, एकदम दौड़ कर जाएगी झपट्टा मारेगी। कबूतर को लेकर तो बहुत तेज़ी से भागा है वह, तो इस कबूतर को जो है अपनी जान बचा कर रखनी पड़े। और ज़्यादातर तो ये यहाँ से उतरते नहीं, इसी वजह से छज्जे पे इनका दाना पानी डालना पड़े। सारे बच्चे जो स्कूल में दाती सारे ऊपर चल दिए, मैंने कह दिया था ना इन्हें मैं चलिए ऊपर, गर्मी हो रही नीचे तो बहुत ज़्यादा, आज इनका खाना भी मुझे ऊपर ही ले जाके जाना पड़ेगा।
ये ले आई वह जागतों के नाम के केले, तो दोनों आरू सारू सी आगे थे ऊपर यहाँ से, और चलो भाई इन्हें केले दे दूँ। और नंदनी तो अभी नीचे ही है, वो तो वहीं खा लेगी। माँ को कह रही है अमरूद काट कर दे दियो, तो तुम अमरूद खावेगी। क्यों भैया कुछ भी नहीं, तो मैं देख रही हूँ किस तरह बैठ गए यहाँ से। कुर्सी घेर लो भी, कुर्सी बैठने में अभी प्लान नहीं है यहाँ से। कुर्सी यहाँ भी छम्मा वहाँ चल जाएगी। मैं वो पड़ी नहीं है वहाँ, देखो पिताजी ने कहाँ लगा रखी डाल। हो रहा डाल क्या सोच रहे हैं इनके बारे में? मैं सोच रहा अब जो है मटेरियल आना शुरू होगा। हाँ तो अभी जाना मुझे तुक्के बल्ली गाटर इन्हें लेने जाना भाई, इनकी सही बधाई देखाऊँ। अच्छा। ये परसों तक चाह जाएंगे यहाँ पे, कल तक जो भी होगा। फिर सीमेंट डस्ट रोड़ी ये सब चीज का इंतजाम करने की सोच रहा कि दो दिन में। सरिये के बिना कर लोगे? सरिये का भी सोच रहा, ये तो बुक तो पहले ही है। अच्छा। बस जगह देख रहे हैं कि भाई डल लेंगे कहाँ जाके। अच्छा। ये वाली चीज देख रहे कहाँ ठिकाना होगा किस चीज का, क्योंकि एक बार तो यहाँ पर भर जाएगा ना मटेरियल सब पूरा। हाँ, एक बार तो जगह घेरेगा ही। ऐसे तो अंदर बहुत जगह है, लेकिन ये बल्लियाँ लग गई ना बल्लियाँ। हाँ। अंदर जाने का रास्ता तो हो गया बंद। अब ये देखेंगे कि बाहर एडजस्टमेंट सारी चीजों को कैसे करेंगे। करना यहाँ तक इस रोड तक ही करना है, इसमें सब बराबर में कर लेंगे भाई इस रोड पे ही सारा। पूछ लेंगे अगर उन्होंने परमिशन दे दी तो। अच्छा। सरिया परिया तो घेर ही लेंगे, तो एक आध दिन का काम है। हाँ। मैं भी कुछ देर के लिए आई थी घेर में, वैसे चाय लेकर माँ आई थी और माँ चाय पियाती चली गई, क्योंकि यहाँ पे अभी प्रॉपर जगह कोई बैठने की ऐसी बन नहीं रही। छांव वाली यहाँ थी जहाँ ये बैठे थे, ये देखो। लेकिन गर्मी लग रही थोड़ी सी, बूंद क्या पड़ी, बहुत ज़्यादा उमस सी बन गई एकदम तय, और हवा तो बिल्कुल बंद ही होगी। और एक बीम का ये सेटिंग होगी, इसलिए अंदर सामान नहीं जा सकता। देखो बीच में ये रास्ता बिल्कुल बंद हो गया, और फिर जब ढोला बंधेगा तो यहाँ से भी बंद हो जाएगा। ये इस वाले के नीचे भी तो लगेगी, ये क्या बोल रहे हैं ना तुक्के लगेंगे ना। हाँ। और वो वाला बीम जो है जब तक सेट हो जाएगा, और अभी चल रही है जिन्ने की सेटिंग, जिन्ना बनाने की। आधा तो बन गया था और आधे का जो है सेटिंग कर दी गई। ये देखो प्लेट अपने आप, मैं बताऊं प्लेट वो हिसाब तक ऊपर देगा, उस पर एक तो इसका साइज लिख दियो ठीक है। ये आगे जी झूल गए, झूल आए कैसा लगा झूल के? कैसा पजी तुम्हारा ढेर बुंडा, उतरी नहीं बैठ के एक बार, और ऐसी गिर गई वहीं से। नुके मैं उतरती नहीं आज, उतरती नहीं। हाँ मैंने नुके कहा तेरी वीडियो बना के तेरी मम्मी को भेज देंगे, पिटेगी तू घर जाके मान नहीं। पर आए अरे कहाँ है बेगन, अभी हाल लग रहे। यहाँ से पहुँचे हम घटना स्थल पे, आज ये घटना स्थल है घेर की जगह। पिताजी और चाचा की होगी नोक जोंक भाई, पिताजी जो है अपने हिसाब से काम करवा रहे हैं और चाचा कुछ और हिसाब बता रहे होंगे। तो भाई पिताजी किसी को बोलना नहीं देते, जो चाचा नू कहता है काम नूनी नू कर लूं, कहने लगा रहा हां तुझे। तो भाई चाचा तो चले गए घरों, नू कह रहे ले मैं नहीं आने का भाई यहां से। और उसे और नू कहे पिताजी वो तेरी मर्जी। और ये जब भी मौ का मुआयना करे ना, तो इस सिरे पर खड़ी होकर करे इस घेर का, यहाँ लास्ट वाली दीवार पे जो पिछली लास्ट दीवार है यहाँ से खड़ी होके करें। और ये देख रही इसका स्ट्रक्चर, और ये बोल रही कि अब लगा कि यहाँ कुछ बनेगा, नहीं तो अब तक तो दीवारें ही हो रही थी। तो भाई यहाँ से इसका एंगल सही बैठे है, नुके यहाँ तो दिखे सारी चीज कैसा लगे बनने में, आगे से तो दिखता नहीं। आगे से तो जो है खेत है भाई उसके, अभी फिलहाल जो है भाई बीम वीम डल के देखो स्ट्रक्चर से तो लगा नहीं लगा कि हाँ भाई यू घेर है। अब इस घेर में जो है पेड़ पौधों का काम भी शुरू करेंगे भाई हम लगाने का, लेकिन ये ईंट पड़ी ना यहाँ पे, भी ईंट पड़ी ये रेत पड़ा, जब ये उठ जाएगा भाई जब रहा डंग बैठेगा यहाँ से, कुछ जब उगाओगे कुछ यहाँ से थोड़ा सा बचेगा पीछे एरिया जो यो। तो हम लेकर आए थे यहाँ पर चाय, और चाय के साथ होगा यहाँ पे मुँह का मुआयना भी, घटना स्थल का दौरा भी होगा। अब चल भाई घर वापस। पिताजी एक बल्ली भी अपने हिसाब से इधर हटा दिया अंकित ने, अन्य पिताजी तो उन्हें भी मना कर रहे थे। कोशिश रही तो इसे ढोला बना तो पाड़ नहीं पैड को देख लियो भाई, तो हमारी तो आवाज बोल कर लिया ना।
मैं तो कह रही मगा वो भी आगे की भी पिताजी तो मना ही कर रहे थे कितने तो खुलवाएगा क्या बोला अगले बीम के अगले वाले बीम तुक्के नहीं वो तो खुल नहीं क्या कोई ऐसी बात नहीं तुक्के लग जाएंगे इसमें बेटे ये जो डर है ना हाँ जी इसके नीचे दो तुक्के लगा देंगे लगेंगे फिर भी इधर की विंडो से ये वाला व्यू आ रहा है भाई ईंक दिख रहा और इसमें गन्ने जो है अभी बड़े बड़े होने लग रहे चूसने लायक यानी कि बढ़िया लग रहा ग्रीनरी है और आगे से और चौड़ा हो गया ये देखो एक सार होगी ना ये मिट्टी चलो देखो घोसला एक घर में एक घर और चिड़िया बहुत तेज सी बोल रहे हैं सुबह को हाँ देखो भाई हमसे पहले जो है ना ग्रह प्रवेश करने हैं चिड़ियों ने बढ़िया है यार किसी न किसी का आशियाना बने बढ़िया बात है नहीं तो कोई पल का जाएगा चिड़िया के बच्चे छोटे छोटे यहाँ पल के जाएंगे जब तक इसकी सफाई भी हो जाएगी और निकलने का रास्ता ये है सुरक्षित भी रहेंगी निकलने का रास्ता तो खुद ढूंढ ले बेचारी।